नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम जो हैं वाक्य विचार के बारे में बात कर रहे थे। कल हमने जो हैं रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं उनका अध्ययन कर लिया था। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, इनका हम अध्ययन कल कर चुके थे। आज हम जो हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों की बात करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आठ होते हैं। कितने होते हैं? आठ होते हैं। पहले हम इनके नाम देखते हैं, फिर इनकी परिभाषाओं को देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम कौन कौन से भेद हैं इनका हम जो है अध्ययन करते हैं, देखते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य। पहला वाक्य कौन सा होगा? विधानार्थक वाक्य। हम वाक्य के भेद जो हैं अर्थ के आधार पर उसकी बात कर रहे हैं। पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य, तीसरा भेद जो है आज्ञार्थक वाक्य। चौथा है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य, पांचवा है इच्छार्थक वाक्य। कौन सा है? इच्छार्थक वाक्य। छठा है संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य, और सातवां रहेगा संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य, आठवां है विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य। देखिए, हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों की बात की है। तो पहला विधानार्थक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक और संकेत, और फिर अंतिम में जो है विस्मय बोधक वाक्य। ये हम इनके नामों की बात कर चुके हैं। अब हम इनकी परिभाषाओं को जानेंगे, इनके उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला विधानार्थक वाक्य जो है ये किसे कहते हैं इसका हम देखते हैं। पहला जो है वाक्य का भेद है विधानार्थक वाक्य। देखिए, जिस वाक्य में किसी बात या कार्य का होना पाया जाता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। विधानार्थक वाक्य कहते हैं। देखिए, विधानार्थ, जिस वाक्य में किसी बात का या कार्य का होना पाया जाएगा उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? विधानार्थक वाक्य। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है। पूर्व में उदय होता है, निश्चित है और कार्य का होना पाया जा रहा है, इसलिए यह वाक्य जो है कैसा होगा? विधानार्थक वाक्य होगा। इसको निश्चयात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। तो सूर्य पूर्व में उदय होता है, मोहन
विद्यालय जाता है, तो इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे ये विधानार्थक वाक्य में आएंगे। और उसके बाद में जो हमारे इस वाक्य का जो दूसरा भेद है वो है निषेधात्मक वाक्य। कौन सा होगा? निषेधात्मक वाक्य। तो देखिए निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य दूसरा जो वाक्य है निषेधात्मक वाक्य है। नाम से ही लग रहा है निषेध। निषेध का मतलब मनाई करना, किसी कार्य का न होना पाया जाए, निषेध हो, कार्य की मनाई हो, उस वाक्य को हम जो है क्या कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य। लिखते हैं परिभाषा। जिस वाक्य में किसी बात या कार्य का न होना पाया जाए, जाए या कार्य का निषेध हो, क्या हो? निषेध, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी कार्य का न होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, या निषेधात्मक वाक्य ही कहेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा सभी, तो हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है जैसे मैं कल नहीं आऊंगा। इस वाक्य में मना कर रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा, यानी ये नहीं जो आएगा ये निषेधात्मक वाक्य में आएगा। जैसे बाहर मत जाओ। तो ये जो मत है ये मना कर रहा है कि बाहर मत जाओ, तो ये किस प्रकार का वाक्य होगा? निषेधात्मक वाक्य होगा। जैसे राधा खाना नहीं खाएगी, इस वाक्य में जो भी है मना कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है हमारे, अब देखते हैं तीसरा भेद जो है उसकी हम बात करेंगे अभी, आज्ञार्थक वाक्य। तीसरा वाक्य कौन सा होगा? आज्ञार्थक वाक्य होगा। अर्थ के आधार पर वाक्यों की भेद की बात कर रहे हैं हम, तो तीसरा जो भेद है वो है आज्ञार्थक वाक्य। कौन सा है? आज्ञार्थक वाक्य। देखिए तीसरा भेद, आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, उपदेश आदि का बोध हो उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, उपदेश आदि का बोध हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा हो, आदेश हो, उपदेश हो, इस प्रकार से आए तो वो वाक्य कैसा होगा? आदेश हम कह सकते हैं, आज्ञार्थक वाक्य होगा। देखिए कहते हैं, फिर इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे अपना अपना गृह कार्य करो
अपना गृह कार्य करो, अपना अपना गृह कार्य करो। दूसरा वाक्य देखते हैं, कक्षा से बाहर निकलो, कक्षा से बाहर निकलो। इस वाक्य में आज्ञार्थक वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ आदेश का बोध हो रहा है, आज्ञा का बोध हो रहा है कि अपना अपना गृह कार्य करो और कक्षा से बाहर निकलो। उसके बाद में जो है हमारा अर्थ के आधार पर चौथा जो भेद है, बहुत महत्वपूर्ण भेदों की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा सभी। तो चौथा भेद जो है वो है आपके इसमें प्रश्नार्थक वाक्य, कौन सा होगा? प्रश्नार्थक वाक्य होगा, प्रश्नार्थक वाक्य। नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नार्थक, जिसमें प्रश्न का बोध होगा। देखिए परिभाषा देखते हैं, जिस वाक्य में किसी कार्य के संबंध में, किसी कार्य के संबंध में प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। इसमें अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा वाक्य के अंतिम में। तो देखिए विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई जो है कैसी चल रही है। अब ये कैसी जो है ये प्रश्न का बोध करा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, इसलिए प्रश्न का बोध है। और आगे देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, तुम्हारा गांव कौन सा है, तुम्हारा गांव कौन सा है, इसमें भी जो है प्रश्न का बोध हो रहा है, कौन सा है। तो देखिए विद्यार्थियों, कैसी, कौन सा, क्या है, इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे प्रांति में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा लगा हुआ, तो हम पहचान सकते हैं कि ये प्रश्नार्थक वाक्य हैं। अगला भेद जो है उसकी हम बात करते हैं अभी, और अगला जो भेद है वो है आपके इसमें प्रश्नार्थक के बाद में इच्छार्थक वाक्य, कौन सा है, इच्छार्थक वाक्य है। तो देखिए आगे इच्छार्थक वाक्य की बात करते हैं अभी, इच्छार्थक वाक्य हैं, पांच नंबर पर भेदों की बात कर रहे हैं, इसमें इच्छार्थक वाक्य हैं। तो देखिए जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद, इच्छा या आशीर्वाद, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो, आशीर्वाद का बोध हो, उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान आपका भला करे,
देखिए इसमें इच्छा है मेरी कि भगवान आपका भला करे, इस प्रकार के वाक्य आएंगे। और दूसरा वाक्य एक और देखते हैं हम, और इसमें जो है हम देखते हैं कि मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, कामना करता हूँ कि तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ, तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है इच्छार्थक वाक्य में इच्छा प्रकट की जा रही है, भगवान आपका भला करे, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं ये आएंगे। और अगला जो है हमारा छठा वेद है वो है संदेहार्थक वाक्य। कौन सा है? संदेहार्थक वाक्य। देखिए जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो, संदेह या संभावना का बोध हो, जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं, संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे संदेह या संभावना व्यक्त की जाएगी, शायद आज वर्षा होगी। संभावना प्रकट की जा रही है कि शायद आज वर्षा होगी। उसी प्रकार से महेश जयपुर गया होगा। इस प्रकार से जो वाक्य आएंगे ये आपके इसमें संदेहार्थक वाक्य में आएंगे। और अगला सातवां भेद है वो है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो, जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो, शर्त का बोध हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं, संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, और इसमें ध्यान दीजिएगा सभी, और उदाहरण जो है इसमें हम देखते हैं संकेतार्थक वाक्य, जिस वाक्य में यदि वर्षा होगी तो फसल, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अच्छी होगी, यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, अवश्य उत्तीर्ण होता। तो देखिए विद्यार्थी इसमें यदि और तो वाले वाक्य आते हैं, और तो ध्यान दीजिएगा हम जो है अब अंतिम भेद की बात कर रहे हैं, फिर हमारे अर्थ के आधार पर जो है ये भेद पूरे हो जाएंगे। तो एक ही भेद अभी शेष रहा है, इसकी हम बात कर लेते हैं और फिर जो है हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा हमारा जो इसमें अर्थ के आधार पर आठवां भेद है वो देखिए सभी विस्मय बोधक वाक्य। कौन सा होगा? विस्मय बोधक वाक्य। सभी ध्यान दीजिएगा, विस्मय बोधक वाक्य जो है इसकी तरफ हम देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। विस्मय बोधक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य
जिस वाक्य में विस्मय शोक हर्ष दुख आदि का बोध हो, जिस वाक्य में विस्मय शोक हर्ष दुख आदि का बोध हो उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं, उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण, देखिए जैसे वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है, दृश्य है। और उसके बाद में ओहो भारत जीत गया, भारत जीत गया। तो देखिए विद्यार्थियों, जिस वाक्य में विस्मय शोक हर्ष आदि का बोध होगा वो वाक्य विस्मय बोधक होगा। इसमें अगली आज के लिए बस इतना ही, और बाकी हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।